नमस्कार, सलाम, आदाब। न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का और एक बार स्वागत है। मैं जब्बार अली, चीफ रिपोर्टर बहसियत न्यूज टुडे इंडिया, आप सभी को अंग्रेजी नए साल 2024 का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए इस वक्त मुखातिब हूँ उत्तर दिनाजपुर जिला के पोखरिया ग्राम पंचायत के जो सरनावारी रेलवे गेट है उसके करीब NH 31 में। आप सभी को बता दे, एक कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप सभी को बता दें कि खास करके सीमांचल के जो सुरजापुरी घराने के लोग हैं, वो लोग जो होनहार है, कामगार है, एडुकेटेड है, वो भी तिजारत के तरफ अपना नजरिया झुका रहे हैं, या कहते हैं नजरिया बदल रहे हैं। इसका ही एक पेशकश है किंग होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसका आगाज कुछ ही देर पहले उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सदस्य जावेद अख्तर के करों कमल द्वारा किया गया। हालांकि आप सभी को बता दें कि उद्घाटन के कुछ ही देर में ही जावेद अख्तर साहब एक दर्दनाक खबर सुन करके वो गैसल के लिए रवाना हो गए। लेकिन आप सभी को बता दें कि कुछ ही देर पहले उत्तर दिनाजपुर के जिला परिषद के सदस्य जावेद अख्तर के करों कमल द्वारा इस होटल का आगाज यानी शुरुआत किया गया, और इसके बारे में उनका क्या कहना है ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को बता दें वो नज़ारा कि आज पहला जनवरी यानी 1 जनवरी 2024 को यहाँ के खास मेहमान के मौजूदगी में फातिहा खानी व दुआ दरूद के बाद किंग होटल फैमिली एंड रेस्टोरेंट ये इसका आगाज यानी शुरुआत किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप पांजीपारा से चल के धनतोला तो चले तो बीच में आपको कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां आप कम से कम ठहर के चंद मिनट के लिए ठहर के चाय पानी या नाश्ता या फिर किसी तरह का भोजन या खाना खाना चाहें तो उसका इंतजाम हो। लेकिन आप सभी को बता दें कि सरनावारी जो रेलवे गेट है इसके करीब यानी लारूखुआ से तकरीबन कह सकते हैं आधा किलोमीटर दूरी में आप देख सकते हैं इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सभी तरह के लजीज खाने, चाहे वो आप भेज लेना चाहें या नॉन वेज लेना चाहें या फिर आप चाय पानी के नाश्ता के लिए तरस रहे हो तो आपको यहाँ रुक के चंद मिनट में ही आप सारे इंतजामात यहाँ पा सकते हैं। चलिए आज के इस प्रोग्राम में खास खास मौजूद मेहमान से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जो प्रॉपरेटर है मोहम्मद रजा, उनके लिए क्या दुआएं करते हैं ये हम सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए धीरे धीरे मुखातिब होते हैं उन लोगों से। लेकिन इससे पहले बता दें कि खास करके सीमांचल के सुरजापुरी घराने के जो एडुकेटेड होनहार लड़के हैं, जो कि सरकारी काम के लिए तरस रहे होंगे, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग तिजारत में भी अपना हिस्सा बटाए। इस वक्त देख सकते हैं फूलों के सजावट से किंग होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट का आगाज यानी शुरुआत सरनावारी रेलवे गेट पोखरिया ग्राम पंचायत के अधीन NH 31 के करीब किया गया। और आप देख सकते हैं वेल डेकोरेटेड, वेल फर्निश्ड और वेल इक्विप्ड एक सिस्टम के साथ इस होटल का आगाज यानी शुरुआत किया गया। सबसे पहले एक खास शख्सियत से बात करते हैं जनाब, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम अब्दुल रजाक है। अब्दुल रजाक भाई, सबसे पहले तो अंग्रेजी नया साल का बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सुरजापुरी घराने के जो लड़के होते हैं, होनहार होते हैं, हमेशा सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिले उनको। लेकिन आप सभी को बता दें कि अभी जो आगाज जो हुआ किंग होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट का, खास मेहमानन में से आप एक हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्या दरख्वास्त रखना चाहेंगे जो लोग होनहार हैं, कामगार बनना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो मतलब होटल अभी खोले हैं किंग होटल्स फैमिली रेस्टोरेंट, हम लोग के लिए एक मतलब अच्छा ही हुआ कि हमारे इस कालीबाड़ी से लेके लाडुकुआ के बीच में ये जगह भी मतलब खाली जगह था, पक्का जगह था, जो रात को आदमी आने जाने में दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे कई बार ऐसा चिंताई वगैरह अब वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे एनी टाइम उठना बैठना होगा, जिसके कारण ये हादसा से हम लोग सेफ्टी है, सेफ्टी रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे आदमी है दूर दराज के, अगर आप देखें कि इकर चला कालीबाड़ी से लेकर के धनतोला तक खान पान का कोई इंतजाम नहीं है, मिठाई का दुकान काफी सारा है, लेकिन कहीं अगर दो चंद चार मिनट मतलब कई बार के जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग के इस एरिया में कोई अच्छा रेस्टोरेंट टाइप में नहीं था जो अभी खोले हैं किंग होटल। हमको लगता है कि इस होटल से काफी मेहमान हम लोग का यहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ पे हम लोग और डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आगे अभी भी यहाँ पे ये होटल खुलने के बाद यहाँ के डेवलपमेंट
ज्यादा होगा और जमीन उमीन का रेट जो है अब हम लोग का धीरे धीरे बढ़ेगा और आदमी चाहेगा कि हम लोग भी खोले, इससे हम लोग को बहुत ही फायदा है और हम लोग दुआ करते हैं कि अच्छे से चले, हम लोग लेके चले और बढ़िया से चलाएं होटल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी को बता दें हिंदुस्तान का एक कहावत है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया ही कहे पूरा मखलूकात कहे तो हमारा मेहमान है, और खास करके बंगाल के कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के तरक्की के बाद बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग, लेकिन इस सड़क से जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तरफ, मेरे कैमरा पर्सन मासूम को दिखाने के बाद कहेंगे, आप देख सकते हैं इस जो सुपर वे है या एक्सप्रेस वे है NH-31 से गुजरते हैं और तलाशते हैं कि उन लोगों को चंद मिनट बैठ के किसी से बातें करना या फिर चाय पीना या फिर खान पान का जो इंतज़ाम है वो मिल जाए। लेकिन आप सभी को बता दें मेरे पीछे जो सरनावारी रेलवे गेट देख रहे हैं, ईट गेट से लेकर के अगर आप धनतोला तक जाएं तो इसके दरमियान कोई होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं था। बहरहाल आपको बता दें कि सुरजापुरी घराने के जो लोग हैं वो लोग तिजारत से बहुत डरा किया करते थे, लेकिन आप सबको बता दें कि अब वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तिजारत में और आगे बढ़ रहे हैं। खास मेहमानों में से यहाँ पोखरिया ग्राम पंचायत के जो उप प्रधान है असलाम भाई, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद लोग क्या दुआ देते हैं वो भी सुनने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देख सकते हैं यहाँ एक जमजमा वाला माहौल है, क्योंकि यहाँ के लोग खास करके इस इलाके के डेवलपमेंट चाहते थे जो लोग, वो लोग यहाँ मुखातिब हुए हैं, शामिल हुए हैं। जाकिर भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार उनके भतीजे में से एक है रजा भाई जो इस होटल का आगाज यानी शुरुआत किया। सबसे पहले तो असलम भाई बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल का, 2024 शुरू हो गया नया सोच नए अंदाज से, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, जो तिजारत करते हैं वो तिजारत में शामिल होते हैं या फिर जो दूसरे दिगर काम करते हैं उसमें शामिल होते हैं। आज खास मेहमानों में से एक थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ देंगे रजा भाई को? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप इस्लामपुर से इतना ठंडी में 1 जनवरी में पार्टिसिपेट किए हमारे होटल के उद्घाटन में, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि हमारे ये जो नौजवान लड़के हैं इधर उधर भटकते रहते थे, आज एक रोजगार के लिए यहाँ एक होटल खोला है, अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया है, ऐसा होटल हमारे इर्द गिर्द नहीं है, इस्लामपुर के बाद और पांजीपाड़ा के बाद ऐसा होटल हमारा इस एरिया में नहीं है, ये खोला आज खोला 1 जनवरी है, ये जो खोला है इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर एक गैप जगह भी था, हम लोग जो यहाँ प्रशासनिक हिसाब से देखते थे तो यहाँ आए दिन चिंता फिंता हावी जावी ये सब होते रहता था, अब हाँ वारदात होते रहता था, अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ सब लोग अब बिजनेस पर्पस या खाने के वजह से आएंगे, यहाँ फाका जगह भी था, अगल बगल में थोड़ा सा लारूखा बाजार बोलता है वहाँ इस तरह का बैठने का जगह नहीं था, दो चार आदमी बैठ के चाय पिए कोई पर्सनल कोई बात करे यहाँ आकर के कर सकता है, खुला जगह है, अच्छा है, रेस्टोरेंट टाइप का है, खाने में हर कुछ मिलेगा, नॉन वेज वेज सब है यहाँ, और जो टूरिज्म लोग है यहाँ जो ऐसा इंतजाम किया गया है टूरिज्म लोग भी आकर के सेपरेट खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, और हम लोग तो आएंगे ही, हम लोग लोकल में से हैं, हम लोग आएंगे ही और इसको देखभाल के लिए हम लोग भी वॉच करेंगे जो ये होटल अच्छा चले, और दुआ भी करते हैं कि होटल अच्छा चले और यहाँ से अच्छा एक रोजगार करे, उसका वो इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, यही बात कहूँगा। आप सियासी आदमी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबसे बड़ी बात है जब इलाके का डेवलपमेंट होता है, तरक्की होता है और खास करके वारदातों को रोकने के लिए इस तरह का छोटा मोटा हो या बड़ा हो रेस्टोरेंट वगैरह बनता है तो लोगों का जमावड़ा होता है और उस तरह का वारदात यानी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से रोका जा सकता है, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? हम तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि ये इस जगह में जो प्लान प्रोजेक्ट लिया इसको प्लानिंग किया है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं कि इस गुप्त जगह को सिलेक्शन किया और ये इस जगह का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो भी क्राइम प्राइम होता था वो नहीं होगा, हम लोगों को फाड़ी की तरफ से यहाँ स्पेशली भेजना पड़ता था कि आप वहाँ जाके थोड़ा वॉच कीजिए, जो कोई सन्नावरी रेलवे गेट के लारुका के बीच में कालीवारी नया हार सन्नावारी के बीच में जो NH-31 है वहाँ थोड़ा वॉच कीजिए आप लोग, और डेली आता था डेली यहाँ पर वॉच होता था और उसके बाद से यहाँ वो हादसात कम होते थे, अब पुलिस को भी आके ठिकाना मिलेगा बैठ के चाय पीने का या बैठ के देखने का वॉच करने का, इसको भी सेफ्टी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बात कर रहे थे जनाब असलाम साहब से जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, और खास करके जब आप सभी को बता दें 2010 साल के बाद से वेस्ट बंगाल का मगरबी बंगाल का ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टूरिज्म सब में जो तरक्की हुई है इजाफा हुआ है बिजनेस में उसको मद्देनजर आप कह सकते हैं कि सुरजापुरी बेल्ट के सभी लोग धीरे धीरे बिजनेस की तरफ
भाग रहे हैं। और तिजारती एक ऐसा चीज है जो कि आप कह सकते हैं बड़े बड़े नौकरी वालों को भी दाद दे सकते हैं अगर आप उसको सही से, अगर ठिकाने से आप बिजनेस करें तो। चलिए इस सिलसिले में और एक बुजुर्ग हैं यहाँ मेहमान में से, उनसे बात करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन साहब, सबसे पहले तो इस इलाके के रहनुमा होने की वजह से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जगह का जो आबादी है वो आबादी बढ़ा, क्या कहना चाहिए? आबादी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगा, तरक्की भी होगा, आबादी भी बढ़ेगा, हम लोग आगे भी। प्रधान साहब जो बोल दिया वो सक्सेसफुल है। और जगह तो बहुत मतलब फाका था, ये अब जम गया। जम गया जी जी। क्या दुआ देंगे रजा भाई के लिए होटल के प्रॉपर्टी? एकदम दुआ देते हैं, हम लोग साथ में हैं। साथ में हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बता दें होटल का जो इस वक्त इनॉग्रेशन होने के बाद जो माजरा है वो दिखाने के बाद आपके उनके रिश्तेदार हैं और एक भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जाकिर भाई से हम बात करेंगे। लेकिन चलिए आप सभी को दिखा दें कि इस वक्त जो सजावट है आज के इस पहला जनवरी यानी 2024 के नए दिन के शुरुआत में, आप देख सकते हैं ओपन स्पेस है, खाली जगह है और बेहतरीन लाइटिंग से लेकर के अगर आप कैंडल डिनर भी करना चाहें, वेज या नॉन वेज हो, और कह सकते हैं पीछे भी आप देख सकते हैं। मेरे सहप्रतिनिधि मासूम को कहूंगा थोड़ा दिखाने के लिए कि यहां से अगर आप ट्रेन की आवाजाही का भी अगर नजरिया देखना चाहते हैं तो बिना झिझक के यहां बैठ के पीछे का जो कम से कम मनोरम दृश्य है या ग्रीनरी है उसको आप देख सकते हैं। इस वक्त वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम जहां भी इस तरह की कोई अच्छे काम होता है उसको जब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे ही एक जो रूरल बेल का जो एक चित्र है, जो फोटो है, वो तस्वीर है, वो आप सीधा देख सकते हैं। वो नज़ारा यानी यहाँ होटल में बैठ के चाय और नाश्ता के साथ या फिर खान पान के साथ आप गांव देहात का जो तस्वीर होता है उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें वेल फर्निश्ड वेल इक्विप्ड एक स्पेस के साथ और बैठने का काफी इंतजाम के साथ यहाँ आज से आगाज किया गया किंग होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट का, जो कि सन्नावरी रेलवे गेट के करीब है। चलिए इस सिलसिले में और भी कुछ मेहमान से और यहाँ के नौजवान से बात करने से पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के ओनर के जो चचा जान हैं यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाकिर साहब से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बीइंग ए गार्जियन बहुत बहुत मुबारक कि आपका ही भतीजा रजा बाबू जो इस होटल का शुरुआत किया गया जी। आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, सबसे बड़ी बात है कि होनहार एडुकेटेड लड़का, सबको चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो लेकिन सबका किस्मत में आता नहीं है। और खास करके हमारे सुरजापुरी सीमांचल बेल के जो लड़के हैं, सुरजापुरी लड़के हैं, वो चाहते हैं कि तिजारत में नहीं जाएंगे लेकिन नजरिया बदल रहा है। आज एक आगाज हो गया किंग होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है जब्बर भाई, ये जिस जगह पे होटल तो हुआ है, मैं पांजीपुरा में 2006 से दुकान कर रहा हूँ जी, तो मेरा धंतोला घर है, डेली अप एंड डाउन करना है। तो इस जगह पे ये जब हम लोग कालीबाड़ी से निकलते थे और धंतोला पहुँचने से पहले जो है ना हमेशा एक तो डर रहता था कि कब रास्ते में क्या हो जाए जी, जी, जी। कब रास्ते में क्या हो जाए, अब अल्लाह का रहम करम है कि वो डर नहीं रहेगा। ये एक बात है कि ये पूरा फाका एरिया था, इस जगह को जो डेवलपमेंट किया है, इस जगह का जो वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा अगल बगल में कहीं पर भी नहीं था होटल, बहुत अच्छा हुआ है। ये शुरुआत हम लोगों ने किए हैं और अल्लाह का रहमो करम से आप लोग अगर सब साथ देंगे तो और भी दिन दुगुनी रात चौगुनी मेरा भतीजा तो तरक्की करेगा। और हम लोग का इंटायर फैमिली सबसे पहले पांजीपुरा में मोबाइल का दुकान मैं किया था 2006 में जी। उस वक्त पूरा फैमिली में जो है कोई बिजनेस में कोई नहीं जाता, कोई नहीं था, डरते थे हाँ, सब जो है जाने में डरते थे। आज वो माँ दुर्गा पेट्रोल पंप के पास में भी हम लोग का एक होटल है, पांजीपुरा में 3 दुकान है, धनतोला में कपड़े का दुकान है, घर में जो है वो डेकोरेशन का भतीजा सब जो है काम करता है, तो सब अल्लाह का रहम करम से हर एक बिजनेस में सब इन्वॉल्व है। बहुत खुशी की बात है कि जब अपने फैमिली में से या हम लोग के घर वालों में से कोई भी बिजनेस में अगर जाता है तो बहुत खुशी होती है जी। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। अपने भतीजा के लिए क्या दुआ दरखास्त करेंगे रब ताला से? हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको दिन दुगने रात चौगुने तरक्की दे। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे, आप सभी को बता दें जो ऑनर है मोहम्मद रजा, उनका चचा जान, साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, जैसे उनके जुबानी हम सुने कि जब तिजारत के
रास्ते में हमारे मोहम्मदन और सुजापुरी कमेंट्री क्लब नहीं आते थे, 2006 की बात है। अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा सुनाएं कि पांजी पारा में मोबाइल के दुकान के, और अल्लाह का फजल व करम है, रब का फजल व करम है कि तरक्की बरकत करते करते आज पूरा फैमिली जो है वो आपका तिजारत यानी बिजनेस में शामिल हो गया है। चलिए इस सिलसिले में यहाँ के नौजवान होनहार लड़के जो हैं, जो खौफ में रहते थे, उन लोगों का क्या कहना, उनका बात सुनेंगे। लेकिन उससे पहले और एक खास मेहमान से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि जगह का एक जमावड़ा जो है या आबादी जो है बड़ा, क्या कहेंगे कि सिलसिले इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, भतीजा है। जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो बाप माँ को या चाचा को या बड़े अब्बा को बहुत खुशी होता है। बहुत खुशी, कितना खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं। क्या दुआ करेंगे अपने भतीजे के लिए? बहुत अच्छा रहेगा आगे चल के। हम लोग का जो है होटल लाइन में पहले से ही, अच्छा, ये जो है वहाँ माधुर का पेट्रोल पंप का पास में जो रेस्टोरेंट है जी, हाँ वो तो होटल अपना ही है, भाई किया है छोटा, अच्छा, भतीजा बनाया अच्छा। इस लाइन में अच्छा है होटल लाइन, हम लोग को कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। क्या नाम है आपका? मजीबुल हक जी। बात कर रहे थे मोहम्मद रजा यानी प्रॉपर्टर के चचा से या करे बड़े अब्बा से, और एक बुजुर्ग यहाँ है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर आलम। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? धनतुला से। आप भी धनतुला से हैं? बात है कि धनतुला से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर। हाँ, ये जगह एकदम वीरान पड़ा हुआ था। हाँ, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे डर खौफ का खतरा खत्म हो गया, और बाकी ये होनहार लोग, नौजवान लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। और अल्लाह इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और अच्छी लाइन में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए सिरे से हमारे साथ जुड़े, जरा नतून करे हमारे संगे जुक्त हलन, तादेर जानिए दी, অন্ততপক্ষে শিক্ষিত বেকার যুবকরা যখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা যদি দু কদম আগে যায়, আমাদের প্রত্যেকের সমাজের যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে যে অন্ততপক্ষে তাদেরকে আমরা আরও দু কদম এগিয়ে দিই, এবং এই কাজে যারাই ব্রতী হবেন তাদের সঙ্গে আমরা সবসময় আছি। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যারা জুড়েছিলেন তাদের জানিয়ে দিই, কিছুক্ষণ আগেই উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের যিনি সদস্য রয়েছেন জাভেদ আক্তার, তিনি কিন্তু এই হোটেলের উদ্বোধন করেছেন, এবং তিনি একটি দুঃখের সংবাদ পাওয়ার পরে তিনি কিন্তু গাইশালে গিয়েছিলেন। তিনি এলে অবশ্যই তার প্রতিক্রিয়া আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব, এবং তিনি কি বলছেন সেটা আমরা জানানোর চেষ্টা করব। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই, এই এলাকারই ধানতলা এলাকার নিবাসী মোহাম্মদ রেজা সাহস করে এই একটা বিরান বা ফাঁকা জায়গাতে কিন্তু নতুন করে আবার কিং হোটেল অ্যান্ড ফ্যামিলি রেস্টুরেন্টের শুভ সূচনা করলেন, যে ব্যবসাতে অন্ততপক্ষে সূর্যাপুরি বেল্টের সূর্যাপুরি সম্প্রদায়ের মানুষরা এগিয়ে আসতেই চাইতো না, বরং কৃষিকাজ এবং সরকারি চাকরির প্রতি তাদের ঝোঁক থাকতো। এই মুহূর্তে আরেকবার আপনাদের সে চিত্র আমাদের দেখানোর চেষ্টা করব, যে এই খুশির খবর পৌঁছতেই কিন্তু তার পরিবার পরিজন আত্মীয় পরিজন থেকে শুরু করে পরিবারের লোকেরা ধীরে ধীরে আসতে শুরু করে, আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। এই শুভ মুহূর্তে তারা সাক্ষী হতে চাইছে, যিনি প্রপারেটর রয়েছেন তার প্রতিক্রিয়া আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন গোটা পরিবার কিন্তু আজকের এই যে শুভ কাজ বা তার যে ব্যবসার প্রতি হচ্ছে আকর্ষিত হয়ে তার এখানে আসা, সেটাই কিন্তু তিনি চলে এসেছেন, এবং যারাই যারা এখানে এসেছেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু তাকে মুবারকবাদ দিচ্ছেন। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব, রেজা ভাই রয়েছেন, মোহাম্মদ রেজা, তার সঙ্গে কথা বলবো। রাজা ভাই সবসে পেলে বহুত মুবারকবাদ, ইসলিয়ে মুবারকবাদ কি হামারে সূর্যাপুরি দেশি লড়কা যো হতে হ্যায় বিজনেস মে আনা নাই চাহতে, আপ এক বহুত বড়া ঠোস কদম উঠায়ে বিজনেস মে আয়ে, আজ কিং হোটেল অ্যান্ড ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট জিসকা উদ্ঘাটন জাভেদ ভাই হামারে জেলা পরিষদ মেম্বার কিয়ে, কেসা লাগ রাহা হ্যায়, কিতনা খুশ হ্যায় আপ? কি বহুত খুশ হ্যায়। लोगों को क्या दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे, क्योंकि जो रहबर होते हैं या रास्ते से चलते हैं उन लोगों को पता ही नहीं कि इस जगह पे होटल है, आज से शायद लाइव में पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग, कम से कम 240 लोग देख रहे हैं लाइव, लोग के लिए किए हैं, फैमिली आए और अच्छा खाना मिलेगा। क्या क्या खाना मिलेगा? वेज नॉन वेज सब मिलेगा जी? सब मिलेगा, चाय कॉफी वगैरह जी सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा, A to Z मिलेगा जी सब मिलेगा, और कारीगर भी हमारा बाहर का है। अच्छा, कहाँ का कारीगर है? केरला का कारीगर है और ये चाइनीज कारीगर। अच्छा अच्छा, हाँ तो जो आइटम्स है वो थोड़ा हम बता दें खुद जी आप? ठीक ठीक, मेनू कार्ड में है, जो मेनू कार्ड है वो इस वक्त हमारे हाथ आ पहुंचा है, क्योंकि ऑनर जो है वो अपने घर परिवार दोस्त अहबाब यार को उनको लेके थोड़ा बिजी थे। ये मेनू चार्ट है जिससे आपको बता दें, रेट तो आपको हम नहीं बताएंगे, वो आपको यहाँ आके ही पता करना पड़ेगा।
রেটটা আমরা নিশ্চয়ই বলবো না, কিন্তু কী কী আইটেমস রয়েছে আমরা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। ড্রিঙ্কস অ্যান্ড বেভারেজেসের মধ্যে আপনারা টি অর্থাৎ চা পেয়ে যাবেন, কফি, রাবড়ি পেয়ে যাবেন, টক দই পেয়ে যাবেন, মিনারেল ওয়াটার এবং আইসক্রিম পেয়ে যাবেন, পনির বাটার মশলা পেয়ে যাবেন, মিক্সড ভেজ, কড়াই পনির, স্যালাড পেয়ে যাবেন, পনির পকোড়া পেয়ে যাবেন, পনির চিলি পেয়ে যাবেন, চিকেন পকোড়া পেয়ে যাবেন, চিকেন চিলি, তন্দুরি চিকেন তন্দুরি পাবেন, ফিশ ফ্রাই পেয়ে যাবেন, ফিশ ক্রিসপি ফ্রাই পেয়ে যাবেন, অনিয়ন পকোড়া পেয়ে যাবেন, পেয়ে যাবেন এখানে পনির বাটার মশলা, মিক্সড ভেজ, কড়াই পনির, স্যালাড পেয়ে যাবেন, ভেজ রাইস থালি, প্লেন রাইস, জিরা রাইস, তন্দুরি রুটি, বাটার তন্দুরি রুটি, তাওয়া রুটি, বাটার তাওয়া রুটি, প্লেন নান, বাটার নান, চিকেন বিরিয়ানি, মটন বিরিয়ানি, কুলচা, ডি চিকেন কষা এবং তারপর সব হচ্ছে চিকেন বাটার মশলা, চিকেন কারি, কারি পিস, চিকেন মশলা সিক্স পিস এবং গার্লিক, এগুলো সব পেয়ে যাবেন। এবং কন্ট্যাক্ট নম্বর আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া রয়েছে, তবু আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমরা সেই মোবাইল নম্বর বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা আপনাদের জানিয়ে দিই, কারণ এখানে ভালো খাবার খেতে গেলে একটু অ্যাডভান্স জানিয়ে আপনাদেরকে আসতে হবে। মোবাইল নম্বর হচ্ছে 7291935827 এবং দ্বিতীয় নম্বর 7047547083। আমরা একটু আরেকবার চত্বরটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন পরিবার পরিজন আত্মীয় সকলে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা খেলবলি, এবং আপনাদের জানিয়ে দিই সেখানে কিন্তু যদি আপনারা হচ্ছে এক্সট্রা কেবিন যার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখান থেকে সমস্ত ডেলিভারি হবে এবং হেলদি এবং হাইজেনিক সমস্ত ব্যবস্থাতে সমস্ত ব্যবস্থাপনা থাকবে। মা সবচেয়ে বেশি খুশি হয় যখন ছেলে তারিখ কী করে, আমরা তার মা রয়েছে এখানে। আসসালামু আলাইকুম, বহুত বহুত মুবারকবাদ কি বেটা কামিয়াব হো গিয়া, ক্যোঁকি ইয়াহ এক হোটেল ও খোল কে আজ সে শুরুয়াত কিয়া, মা কে হেসিয়ত সে ক্যা দোয়া করেঙ্গে, ক্যা দোয়া দেঙ্গে, ক্যা দোয়া দেঙ্গে, ক্যা তরক্কি করে, তরক্কি করো, তরক্কি করো, তরক্কি বরকত, আচ্ছা আচ্ছা রবে, আচ্ছা রবে, কতক্ষণ আচ্ছা লাগে যে কি আজ ছলা আপনা পর পর খাওয়া হবে, বহুত বড়িয়া লাগ জালা, আচ্ছা লাগ জে খালি, ঠিক 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 ঠিক, দোয়া দিছো, ঠিক দোয়া দিছো, দিল সে ছলা খাও, না আচ্ছা রো, আচ্ছা করে খাক, ঠিক ঠিক, जो बात आपको आपको कहे कि माँ के मुस्कुराहट से ही पता चलता है कि बेटा हो या बेटी, जो औलाद होते हैं वो कामयाब हो जाए तो सबसे बड़ा तसल्ली उनके माँ या बाप को यानी माता पिता को मिलता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज इस खुशी के शुभ अवसर पर नया सेल के नया दिन में किंग होटल एंड रेस्टोरेंट जो फैमिली रेस्टोरेंट है इसका आगाज शुरुआत होते ही इसका खुशखबरी माँ तक पहुँचते ही वो भी यहाँ आ गए और अपने बेटे के साथ साथ सब जो परिवार के हैं उनको दुआ दिए। इसी तरह के हर छोटी बड़ी खबर अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहना पड़ेगा न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। आप सभी को बता दें न्यूज़ टुडे इंडिया का हर एक न्यूज़ एक मुहिम होता है जो हम छेड़ते हैं कि हमारे समाज के कोई भी होनहार कामगार और एजुकेटेड कोई शख्सियत अगर दो कदम आगे बढ़ना चाहे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने जो पावर है सोशल मीडिया का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उसके जरिए उसको चार कदम आगे बढ़ा दें। हम भी चाहते हैं जनता जनार्दन के हैसियत से न्यूज़ टुडे इंडिया परिवार के तरफ से आज नए साल के इस नए दिन में किंग होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट और भी तरक्की बरकत करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उसका तरक्की बरकत हो, क्योंकि अगर हमारे युवा पीढ़ी युवा समाज इसी तरह से कामगार बनेंगे तो समाज में भ्रष्टाचार से लेकर के नशे के लत लगने वाला जो बीमारी है वो बीमारी आप से आप हमारे समाज से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग काम में अगर जुटे रहेंगे तो दिमाग में गंदी सोच कभी नहीं आएगा। सहप्रतिनिधि मासूम के साथ मैं जब्बार अली फिलहाल न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए विदा लेता हूँ, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया, पश्चिम बंगाल का फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब्बार के साथ टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे। Thank you.